नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं कि आज मेरा हिंदी का पहला वीडियो है और व्याकरण का मैं पहली बार वीडियो क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और अगर आप लोग ने इस वीडियो को अच्छा प्यार और आशीर्वाद दिया तो मैं ज़रूर इसके अगले भाग को लेकर के आऊँगा। ये मैं देखना चाहता हूं कि मैं आप लोगों तक कितना पहुँच पा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों तक मैं अच्छे से पहुंच पा रहा हूं, आप लोगों को लगेगा ऐसा कि नहीं ये हमारे लिए सही है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट तो ज़रूर करना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्यों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप कमेंट करते हो तो ये हमारे लिए वरदान साबित होगा, यानी कि मैं इससे बेहतर करने का कोशिश करूँगा या फिर और अच्छा करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट ज़रूर करना है कि कैसा लगा वीडियो। ये एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, आज मेरा पहला क्लास है तो मैं बहुत कम टाइमिंग में क्लास ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों का हेडलाइन जो है आपका क्या है, हेडलाइन है आपका, ठीक है, हेडलाइन है भाषा एवं व्याकरण। यानी व्याकरण में जो पहला चैप्टर है भाषा, मैं उस भाषा को लेकर के आया हूँ और भाषा के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। भाषा क्या होता है, तो उससे पहले और कुछ मैं बता दूँ, हिंदी ये व्याकरण का है और पहला चैप्टर का है, सभी कक्षाओं के लिए है। अगर आप टेंथ में हो या फिर ट्वेल्थ में हो तो आपके लिए भी बेहतर है। टेंथ में हो या फिर ट्वेल्थ में व्याकरण तो पढ़ना ही है और सेम व्याकरण रहता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और क्या है आपका, और क्या है कि सबसे आसान भाषा में, ठीक है, सबसे आसान भाषा में मैं बहुत कम टाइम में अच्छा से आपको समझा पाऊंगा। देखते हैं कि हम अब तक कितनी बार कहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं भाषा की, ठीक है। भाषा की बात करें तो ये भाषा होता क्या है, सबसे पहली बात ये भाषा होता क्या है, तो मैं बता दूं, ये भाषा जो है हम लोग जब बात करते हैं किसी से, विचार विमर्श करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ मतलब ये होता है कि हम उसको कुछ समझा पाते हैं, उससे समझ पाते हैं। यानी ये जो बोलते हैं हम लोग, इशारा करते हैं, फिर सुनते हैं, ठीक है, जो ये जो तरीका है विचार विमर्श करने का, यही तो भाषा है। हम लोगों तक, लोगों को समझा पाते हैं, लोगों की बातों को समझ पाते हैं, इस माहौल को समझ पाते हैं, तो यही तो भाषा है। कुछ आइए भाषा के डिफिनेशन को देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा हमारा वह साधन है जो अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने दिखाते हैं कि ये मेरा क्या है, ये कैसे, जब मैं बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, वो एक भाषा ही तो है, भाषा का ही एक रूप है, ठीक है। और दूसरों के विचार जान सकते हैं, ये भाषा जो है, एक तो पहले अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। किसी भी भाषा के लिए पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं, इन नियमों को व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को ही तो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करना है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। मैं बता दूं आपको भाषा कितने प्रकार की, तो भाषा मुख्यतः भाषा जो है मुख्यतः बोला जाता है कि तीन प्रकार का, ठीक है। भाषा तीन प्रकार का, एक तो पहला होता है लिखित, सॉरी चलिए ये जो पहला भाषा है ये होता है मौखिक, ठीक है, क्या होता है तो मौखिक। और दूसरा क्या होता है तो बोलोगे सर लिखित। भाषा तीन प्रकार का होता है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, और तीसरा क्या होता है तो बोलोगे सांकेतिक, ठीक है। भाषा एक्चुअली तीन प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित और सांकेतिक। ये जो सांकेतिक भाषा होता है, मैं इन दोनों के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सांकेतिक के बारे में बता दूं कि जैसे कोई टीचर है, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कक्षा में अपना पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चे ने 5 मिनट के लिए
बोला कि सर हमें 5 मिनट जाना है, हमें 5 मिनट की इजाज़त दे। तो वो सर क्या किए कि वो अपने काम करने बिना बोले संकेत किए कि ठीक है जाओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, संकेत किए जाओ, लेकिन जब संकेत किए तो वो तो आराम से चले गया। अब हमको बताना है कुछ दर्द हो रहा है, क्या बोलेंगे? तो बहुत ऐसे बात हैं जो कि आप संकेत के माध्यम से नहीं बता सकते, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा को क्या है कि ये इसमें नहीं लिया गया है। तो ये हम लोग जनरली नॉलेज के लिए जानते हैं कि ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन अगर व्याकरण के हिसाब से चलोगे, व्याकरण के इसके नियम से चलोगे, तो भाषा कितने प्रकार का होता है, तो बोलोगे सर मात्र 2 प्रकार का। व्याकरण में 2 प्रकार का ही दिया गया है, लेकिन इसका चर्चा किया है, लेकिन ये सीमित तक कहीं है कि सांकेतिक आप हर जगह काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये मौखिक और लिखित आप हमेशा काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि भाषा 2 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक के बारे में मैंने बता दिया, अब देखते हैं कि ये मौखिक और लिखित होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये मौखिक भाषा क्या होता है। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर विचार विमर्श करता है, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति आपका ये है, ठीक है, और क्या है, दूसरा व्यक्ति आपका ये है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा है, तो आपस में बातचीत कर रहा है, ठीक है। ये आपस में बातचीत कर रहा है, व्यक्ति बहुत क्या कहता है, ये दूसरे प्लानेट का है, ठीक है, यहाँ का नहीं है, ये आपस में बात कर रहा है, ठीक है। जब ये आपस में बात कर रहा है, बोलकर बात कर रहा है, तो वो ही तो हो गया मौखिक। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, यही तो मौखिक हो गया। अगर मैं नहीं बोल पाता तो क्या मैं आपको समझा पाता, संकेतिक रूप से क्या इतना बात को हम बता पाते, तो नहीं, ठीक है। तो ये हम बोल पा रहे हैं, और ये दोनों जो बात कर रहा है, यही तो क्या है, मौखिक भाषा, यही तो है। आइए देखते हैं बी में लिखित भाषा क्या होती है। दूसरी लिखित भाषा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र एवं पत्रिकाओं द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के बारे में मैं बता दूं कि जब आप टेलीफोन पे बात करते हो, फोन पे बात करते हो, ठीक है, जब उधर से बात करता है, रेडियो सुनते हो, तो वो सब क्या होता है, तो मौखिक भाषा होता है। और लिखित भाषा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र एवं पत्रिका द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। जब आप किसी को पहले जब टेलीफोन नहीं था, ठीक है, जब टेलीफोन नहीं था तो कैसे एक दूसरे को कांटेक्ट कर किया जाता था, तो बोलोगे सर जो है कि पहले जो है कि पत्र भेज करके कांटेक्ट किया जाता था। जब आज भेजा गया तो 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब इस टाइप से लगता था वहाँ तक पहुँचने में। तो इसमें क्या होता है कि लंबा टाइम लग जाता है। तो यही अगर आप किसी को पत्र भेजे, वो किसी को पत्र भेजा, आप जैसे कि कोई बात कर रहे हो, कोई चीज, कोई कुछ ऐसा बात है जो कि आप उसको याद नहीं रख सकते, ठीक है, याद नहीं रहता है, काफ़ी लंबा टाइम तक याद नहीं रखता रहता है, तो आप करते क्या हो, उसको कॉपी नोटबुक में आराम से उसको नोट कर लेते हो, लिख लेते हो। तो यही तो लिखित भाषा होता है। उस भाषा को क्या कहते हैं, तो लिखित भाषा कहते हैं, यानी सिंपल जो कलम से लिखें, पत्र में लिखें, वो लिखित भाषा हो गया, और जो हम लोग मुँह से बोलते हैं वो हो गया मौखिक भाषा, और जो बिना बोले, मतलब कि तुम आओ जाओ, कहाँ जा रहे हो, इस टाइप से, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सांकेतिक भाषा हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये व्याकरण क्या होता है। आप लोगों को कमेंट करना है कि व्याकरण क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो व्याकरण क्या होता है, तो कमेंट जरूर करें कि ये व्याकरण क्या होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है, ठीक है। व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा किसी भाषा को सही प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यह व्याकरण जो है कि व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम लोग सही उच्चारण कर सकते हैं, सही से पढ़ते हैं, सही से बोलते हैं, बोल जो रहे हैं, लिखना पढ़ना बोलना, ये सब क्या है, व्याकरण का ही तो काम है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप ना तो पढ़ पाएंगे,
ना ही आप लिख पाएंगे और ना ही आप अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं जो भाषा को समझने योग्य बनाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने, पढ़ने, बोलने के निश्चित नियम होते हैं जो हमारे भाषा को समझने योग्य बनाते हैं। ये नियम को ही क्या कहते हैं? तो व्याकरण कहते हैं। सिंपल है, लंबा याद करने की क्या आवश्यकता है। व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हम अपने भाषा को सही सही लिखना, पढ़ना और क्या, बोलना सीखते हैं। वही तो क्या है, व्याकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सातवां नंबर में क्या है देखते हैं, यहाँ पे क्या है। कहता है कि व्याकरण दो भागों में बटा होता है, और व्याकरण दो भागों में कौन कौन से भागों में ये बटा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से कमेंट करना है कि व्याकरण जो है किन दो भागों में बटा होता है। ठीक है, कौन सी दो भागों में बटा होता है, बटी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्याकरण किन किन भागों में बटा होता है। व्याकरण दो भागों में बटा होता है, कौन सा, वर्ण भाग और शब्द भाग। वर्ण भाग क्या है देखते हैं, वह मूल ध्वनि जिसका स्वरूप अखंड रहता है, जिसका स्वरूप अखंड रहता है और जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिसे आप मिटा नहीं सकते। ठीक है, जैसे में अ, हर्ष, ई, क, व, स, च आदि, ये सब क्या है, तो बोलोगे सर वर्ण भाग है। क्या है, तो वर्ण भाग है और इसे आप क्या कर सकते हैं, अखंड रहता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इन सभी जो आप देख रहे हैं, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है शब्द भाग, अक्षरों के समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे कि अक्षर बहुत अलग अलग है, जब उसको आप एक साथ करते हैं उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उससे कुछ वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बोलोगे सर शब्द भाग कहते हैं। अक्षरों के समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप प, व तथा न, क्या बोला, तो प, व और न। अगर आपको इसको बोल दे कि यहाँ लिखा है प, व, यहाँ लिखा हुआ है न, क्या इससे कुछ बनता है क्या शब्द? नहीं। जब ये तीनों को मिला दें तो ये पवन का निर्माण करता है, यही तो आपका शब्द भाग होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? आप लोग कमेंट ज़रूर करें, अगर अच्छे लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हमारे वीडियो हर एक बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला यानी स्वर और व्यंजन, ये जो हिंदी वर्णमाला है इसमें स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में दो तत्व हैं। पहला है स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर और व्यंजन। आइए देखते हैं कि ये स्वर व्यंजन क्या है। शब्दों को बनाने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई आप शब्द बनाते हो, ठीक है, कोई लंबा से लंबा शब्द बनाते हो, और वाक्यों को बनाने के लिए एक शब्द का जुड़ना जरूरी है, और शब्द को बनाने के लिए आपको ये स्वर व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों को बनाने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। स्वर, हिंदी भाषा में मूल रूप से 12 स्वर होते हैं। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ये जो 12 स्वर है ये किसी का अवरोध में नहीं होता है। ये स्वर निम्नलिखित हैं, कौन कौन से वो 12 स्वर हैं जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, वो है अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घ, ई, हर्ष, उ, दीर्घ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ये क्या है, तो ये बिना अवरोध के बोले जाते हैं, और इसकी बात करें तो ये क्या है, बोलोगे सर स्वर व्यंजन है। क्या है, स्वर व्यंजन है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक छोटा सा प्रयास है और ये छोटा सा क्लास है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं कितना पहुँच पा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो मैं आगे ज़रूर कंटिन्यू करूँगा और अधिक से अधिक इसमें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।